हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ऑल अमेजिंग टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दांत खाज खुजली की फोड़े फुंसियों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक रामबाण घरेलू नुस्खा, जो कि आपके दांत खाज खुजली को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता है, ख़त्म करता है। फ्रेंड्स, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दांत खाज खुजली एक ऐसी समस्या है जिससे अधिकतर लोग परेशान रहते हैं, और इस दांत खाज खुजली की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप बहुत सारी मेडिसिन का यूज करते हैं, बहुत सारी क्रीम का यूज करते हैं, लेकिन इससे आपको कोई फायदा नहीं होता है। इससे आपको क्या होता है कि अगर आप क्रीम का यूज करते हैं तो थोड़े दिन के लिए जो दांत खाज खुजली की समस्या है वो खत्म हो जाती है, लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद आपको इन समस्याओं से सामना करना पड़ता है, फिर से आपको दांत खाज खुजली की समस्या उत्पन्न हो जाती है। या अगर आप इसके लिए इंजेक्शन का भी यूज करते हैं तो वो भी आपके लिए हानिकारक साबित होता है फ्रेंड्स, क्योंकि दांत खाज खुजली की समस्या को अगर दबाते हैं आप दवा और मेडिसिन से क्रीम लगाकर, तो ये जो है बहुत ही बाद में जाकर भयंकर बीमारी का कारण बन जाती है, स्किन डिजीज जैसी आपको बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इससे दांत खाज खुजली की समस्या को आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करते हैं, घरेलू उपाय को अपनाकर, आयुर्वेदिक नुस्खे को अपनाकर अगर आप ठीक करेंगे, तो आपको दांत खाज खुजली से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। थोड़ा दिन लग सकता है, लेकिन आपको 100% फायदा मिलेगा फ्रेंड्स, और इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। इस घरेलू उपाय के लिए फ्रेंड्स हमें लेना है नीम के पत्तों को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नीम के जो पत्ते हैं, नीम है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। फ्रेंड्स, दांत खाज खुजली की समस्या को दूर करने के लिए नीम से बेस्ट कोई घरेलू उपाय हो ही नहीं सकता है। नीम इतना इफेक्टिव होता है कि ये जो है काफ़ी पुराने ज़माने से आयुर्वेदिक दवा में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका प्रयोग किया जा रहा है, और आप सभी जानते हैं कि नीम के पत्तों का प्रयोग आप फेस वॉश के रूप में भी करते हैं, क्योंकि फेस वॉश में भी जो नीम के पत्तियों का यूज किया जाता है, मेडिसिन में यूज किया जाता है, और अधिकतर दांत खाज खुजली की समस्या को दूर करने वाली जो मेडिसिन आती है उसमें भी नीम के पत्तों का यूज किया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स नीम के पत्तों में एंटी बैक्टीरियल गुण, एंटी फंगल गुण, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं, जो कि आपके दांत खाज खुजली की समस्या को, फोड़े फुंसियों की समस्या को, कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन को दूर करते हैं, कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो नीम के पत्तियां हैं बहुत ही इफेक्टिव है आपके दांत खाज खुजली की समस्या को दूर करने के लिए। अगर आप डेली सुबह में खाली पेट नीम के 5 से 7 पत्ते को चबा चबा कर खाते हैं, तो इससे आपके शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकाल देंगे और आपके खून को साफ करेगा, जिससे आपको दांत खाज खुजली की समस्या बिल्कुल उत्पन्न नहीं होगी, खत्म होने लगेगी। तो यहाँ पे आपको नीम के पत्तियों को ले लेना है और इसे आपको धोकर अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीका बताऊंगी फ्रेंड्स। पहले तरीके के लिए आपको यहाँ पे एक बर्तन लेना है और उसमें आपको पानी डालना है। यहाँ पे मैंने 700 ml जो है पानी डाला हुआ है और नीम के पत्ते को मैंने साफ कर लिया अच्छे तरीके से, और इसमें हम पानी में डाल देंगे। नीम के पत्तों की यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि मेरे घर पे नीम का पेड़ है तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिया। आप इसका आधा भी ले सकते हैं, अगर आपके घर पेड़ हो तो इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लेने से भी आपको कोई भी इसका हानि नहीं होना है, तो इसलिए आप अपने जितनी आवश्यकता हो आपके घर जितना हो उतना ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसे जो है बॉयल इसमें आने दिया है, इसे हम करीब 500 ml जब बच जाएगा पानी तब तक हम इसे बॉयल करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो है पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉयल हो रहा है, और इसका जो पानी का जो कलर है वो भी चेंज होते जा रहा है, और जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा, जब 500 ml तक बचेगा तो पानी का कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स नीम के पत्तों के जितने भी गुण हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, सब पानी के अंदर आ जाएंगे, और तब ये जो पानी का हम यूज करेंगे ये काफ़ी इफेक्टिव होगा आपके दांत खाज खुजली की समस्या को दूर करने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं पानी का कलर बिल्कुल ही ग्रीन हो चुका है, और अभी हमारा जो है पानी 500 ml बच चुका है, क्योंकि पानी यहाँ पे 700 ml मैंने लिया था और 500 ml बच चुका है। तो गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इस पानी को जो है हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, और ठंडा होएगा जब तक तब तक और भी इसके जो गुण है पानी के अंदर आकर मिल जाएंगे। तो हम इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि कैसे हमें इसे यूज करना है।
तो अभी जो है पानी बिल्कुल ठंडा हो चुका है और आप खुद ही देख सकते हैं कि पानी का कलर कैसा है, बिल्कुल ही चेंज हो चुका है तो, क्योंकि इसमें के नीम के पत्ते के जितने गुण हैं आ चुके हैं। पानी को मैंने छान लिया है, नीम के पत्तों को अलग कर लिया है, पानी का कलर आप देख सकते हैं। और इसमें जो नीम की पत्ती है इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि इसके जितने भी गुण हैं पानी के अंदर आ चुके हैं, तो ये जो पत्ता है यूजलेस है, आप इसे फेंक सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि इस नीम के पानी को आपको यूज कैसे करना है। फ्रेंड्स अब आपको इस पानी से उस जगह पे धोना है जहाँ पे आपको दांत खाज खुजली की समस्या हो, फोड़े फुंसियों की समस्या हो, वहाँ पे आपको इस पानी से धोना है और अपने हाथों से हल्का सा, हल्के हाथों से आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए धोना है। इससे होगा, इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर आपके स्किन पे कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ होगा, कोई भी बैक्टीरिया होगा, तो सभी खत्म होने लगेगा। क्योंकि आप सभी को जैसे मैंने आपको बताया है कि नीम के पत्तों में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण, एंटी फंगल गुण, जो कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करेंगे और कोई भी किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया पनपने नहीं देंगे और धीरे धीरे आपका जो दांत खाज खुजली की समस्या है सूखने लगेगी और ठीक होने लगेगी। और इस पानी का फ्रेंड्स आप प्रयोग कर सकते हैं अपने बाल धोने के लिए। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या बनी रहती है, रूसी की समस्या बनी रहती है, तो अपने बाल को धोइए, स्कैल्प पे कोई भी फंगल इन्फेक्शन हुआ होगा तो खत्म हो जाएगा और डैंड्रफ की समस्या बिल्कुल ही खत्म हो जाती है अगर आप इस पानी से अपने सिर को धोते हैं तो। और इस पानी का प्रयोग आप अपने फेस को धोने के लिए भी कर सकते हैं, इससे आपका जो पिंपल सेकनिंग समस्या है वो दूर हो जाएगी। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ फ्रेंड्स। इसके लिए आपको नीम के कुछ पत्तियों को ले लेना है, अच्छे तरीके से धोकर आपको इसे साफ कर लेना है और इसे पीसकर आपको एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे नीम के पत्तियों को अच्छे से धोकर साफ कर लिया था और इसे पीस कर एक गाढ़ा पेस्ट, बारीक पेस्ट तैयार कर लिया है। नीम के पत्तियों को धोना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि नीम के पत्तियों पे, नीम के पेड़ पे जब पत्तियों पे धूल भी लगे होते हैं और हमें इसे स्किन पे यूज करना है, इसलिए धोना जरूरी है ताकि इसमें के जो भी धूल हो, जो भी बैक्टीरिया अगर पत्तों पे चिपके होंगे वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपको इसे पीस कर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना है और इसे आपको उस जगह पे लगाना है जहाँ पे आपको फोड़े फुंसी दांत खाज खुजली की समस्या हो, वहाँ पे लगाने के बाद आपको इसे 30 मिनट के लिए रखना है। 30 मिनट के बाद आपको इसे ठंडे पानी से धो लेना है और आपको इस पेस्ट का प्रयोग डेली करना है फ्रेंड्स। अगर आप लगातार 7 दिन तक इसका प्रयोग करते हैं आपको फर्क बहुत ही जल्दी नजर आएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। क्योंकि आपको जैसे बताए हैं कि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो कि आपके स्किन पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन को दूर करते हैं, धीरे धीरे आपके दांत खाज खुजली को सुखा कर बिल्कुल ही ठीक करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 तरीका बताया है, नीम के पानी का प्रयोग करना और इसका पेस्ट का प्रयोग करना। दोनों तरीका में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप दोनों तरीका का यूज करते हैं डेली तो आपको तो दोगुने फायदे मिलेंगे। तो आप इस नुस्खे को जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको 100% फायदा मिलेगा, मैं गारंटी देती हूँ। आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी घरेलू नुस्खे की वीडियोज़ पाने के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।